भी हैं हमारे मिस्टर बबलू बिंदास। इनका अंदाज है एकदम खास। मोबाइल इंटरनेट के हैं ये बड़े दीवाने और व्हाट्सएप के हैं ये चैंपियन पुराने। काम खत्म करने के लिए पकड़ते फास्ट ट्रैक, मगर सुरक्षा नियमों को करते हैं पूरा साइड ट्रैक। कंसंट्रेशन से इनका है 36 का आंकड़ा, क्योंकि मशीन की भाषा इन्हें कम समझ आता। ये है मिस्टर समझदार श्याम, लगन और मेहनत का दूसरा नाम। एसओपी की हर रूल को ये रखते सर आंखों पर और रहते हैं फोकस्ड और सिस्टमैटिक हर कदम पर। इनसे न होती कभी कोई गुस्ताखी माफ, क्योंकि शॉर्टकट लेना है इनकी शान के खिलाफ। सुपरवाइजर का है ये आंखों का तारा, क्योंकि हर काम ये जिम्मेदारी से निभाता है। बहुत सिस्टमैटिक बनता है, इसीलिए हर काम में इतना टाइम लगाता है। हमारी तरह फटाफट काम करो और फटाफट डर जाओ। अमा ये क्या, व्हील का सुराख तो छोटा है, अभी ठीक किए देते हैं। अरे ये गलत है, कभी भी व्हील बोर को नहीं छेड़ना चाहिए। खामोश, एक बार हमने व्हील उठा ली तो हम मशीन की भी नहीं सुनते। बबलू बिंदास रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसे कोई व्हील बोर को नहीं ठीक करते। अब जरा व्हील की हालत बताता हूँ। ये देखो, आपके ऐसा करने से व्हील में क्रैक आ गया है। जाओ नया व्हील लेके आओ, अब की बार सही साइज देख के लाना। अबा यार, सुबह सुबह सुपरवाइजर का प्रवचन, वाह क्या शुरुआत है। लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे ये क्या हुआ सर जी? वो मशीन का गलती से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक मशीन का नहीं, उसका हुआ जिसने तुम्हें भर्ती किया। पर समझदार शाम से कुछ सीखो। व्हील उठा के पहले उसे हैमर से ठोक के देखो, ऐसे। अगर आवाज ऐसे आए तो इसका मतलब व्हील डैमेज्ड है, इसे इस्तेमाल मत करो। और अगर आवाज ऐसे आए तो व्हील सही है। इसके बाद मशीन और व्हील का आरपीएम चेक करो। व्हील का आरपीएम मशीन के आरपीएम से ज्यादा या समान होना चाहिए। उसके बाद फ्लेंजेस को चेक करो। फ्लेंजेस साफ और सपाट होने के साथ साथ व्हील के एक तिहाई साइज का होना चाहिए। उसके बाद क्या, तू बता। फ्लेंजेस को फिट करो। फिर से गलत। मैं बताता हूँ। इसके बाद ब्लॉटर चेक करो। ये व्हील और फ्लेंजेस के बीच में तकिए का काम करता है और व्हील पर पड़ने वाला दबाव समान रूप से बढ़ जाता है। शाबाश, सही पकड़े हैं। थैंक यू सर। अब चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। यस सर। अब देखो ये बाहुबली नट कैसे टाइट करता है। अरे अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। नट को ताकत से नहीं, अकल से फिक्स करो। व्हील के नट को टॉर्क रेंच से और सही सीक्वेंस में टाइट करना चाहिए। अबे दुर्योधन, तू हमको मत सिखाओ। तू नहीं सुधरेगा। नहीं, बबलू बिंदास हटो। श्याम भाई, अगर आप न होते तो न जाने आज क्या हो जाता। कोई बात नहीं दोस्त, मैं फिर से बताता हूँ। बबलू बिंदास ध्यान रखो, व्हील के नट को हमेशा टॉर्क रेंच और सही सीक्वेंस में ही टाइट करने चाहिए। और एक जरूरी बात, मशीन चालू करने से पहले हमेशा व्हील गार्ड लगाओ। अब हमें हीरो बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। ये रोक सकता है। ये काम शुरू करने से पहले हमेशा सेफ्टी गॉगल पहनने चाहिए। और हाँ, इयरप्लग्स लगाना मत भूलना, कान की सुरक्षा भी जरूरी है। मोगेम्बो खुश होई गवा। बस ये फोटो ले ले। भाई मोबाइल को साइड पे रखो, काम के टाइम मोबाइल यूज करना सेफ नहीं है। ठीक है। चलो अब मशीन को एक मिनट तक चालू रखो। और अगर सब कुछ ठीक लगे तो काम शुरू करो। अरे भाई मेरे, फोकस,
फोकस, ये मोबाइल से ध्यान हटा, मशीन पे ध्यान दे। वाह राम भाई, आपने तो मेरी लाइफ ही बदल डाली यार। बोले तो एकदम सही जा रहे भाई, अब मैं करूँगा हर काम पूरे सेफ्टी के साथ। तो भाइयों, आओ लेते हैं सुरक्षा का क्विक रिकैप। पहले सही व्हील को चुनो, इसके बाद व्हील का साउंड टेस्ट करो, फिर व्हील और मशीन का आरपीएम चेक करो। अगर व्हील का आरपीएम मशीन के आरपीएम से कम है तो तुरंत बदलो। व्हील मशीन में फिट करने से पहले फ्लैंजेस और प्लॉटर को चेक करो, फिर व्हील मशीन में फिट कर दो, फिर नट को लगाओ सही क्रम में और टॉर्क रेंच के साथ। व्हील गार्ड लगाने को मत भूलना, फिर पीपी लगाओ, सेफ्टी गॉगल, ईयर प्लग्स और ग्लव्स, और मशीन को एक मिनट चालू रखना, और फिर अगर सब सही लगे तो अपना काम शुरू करना। समझदार रहो, सुरक्षा के सभी नियम का पालन करो और हर काम एसओपी के नियमों के अनुसार करो। एक मिनट दोस्तों, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये पिक्चर तभी पूरी होगी जब यहाँ पर बैठा हर शख्स सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेगा। तब तक पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।